हाय बच्चों, तो अब हम जैसे कि हमने इस चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लिया पहली एक्सरसाइज के लिए, तो जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत ही आसान है। अगर आपको बेसिक आता होगा तो आप आसानी से इन सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जो हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड्स की हैं इसकी ट्राइंगल्स की, वो ज़रूरी देखनी होगी। तो उसको देखने के बाद आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। बोलता है जो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, वहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें उनको क्या करना है, फिल अप करना है। पहला जो दिया हमारा, पहला, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट आर सिमिलर। जितने भी सर्कल हैं क्या वो कॉन्ग्रेंट हैं या वो सिमिलर हैं? देखो भाई, पहली बात, अगर मैंने आपको बोला सर्कल बनाने के लिए, तो किसी बच्चे ने बनाया सर्कल ऐसा, रेडियस रखा जी उसका 2 सेंटीमीटर, रेडियस रखा उसका 2 सेंटीमीटर, किसी बच्चे ने सर्कल बनाया, रेडियस रखा जी उसका 3 सेंटीमीटर। पहली बात, एक बच्चे ने सर्कल बनाया उसका रेडियस रखा 2 सेंटीमीटर, दूसरे बच्चे ने भी सर्कल बनाया उसका रेडियस रखा उसने 3 सेंटीमीटर, क्या ये कॉन्ग्रेंट है? नहीं। इनको मैं कॉन्ग्रेंट कहता, कब कहता? जब इन दोनों का रेडियाई सेम होता। अगर इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 होता, तो मैं इसको कॉन्ग्रेंट बोलता। तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो ये क्या है? इट इज सिमिलर, इट इज सिमिलर, क्योंकि ये एक जैसे दिखने में है, एक जैसे दिखने में है, शक्ल इनकी एक जैसी, दैट इज वाई दे आर सिमिलर। ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर आर कॉन्ग्रेंट। बोलता है जितने भी स्क्वेयर हैं दुनिया में, बनाया जी एक स्क्वेयर किसी बच्चे ने, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, दैट मीन साइड, बनाया जी किसी बच्चे ने एक और स्क्वेयर, इसकी रख दी थी 7 सेंटीमीटर साइड, क्या ये सिमिलर है? शक्लें तो इनकी एक जैसी हैं, शक्लें तो इनकी एक जैसी हैं, तो दे आर सिमिलर। बिकॉज अगर मैं इनको कॉन्ग्रेंट बोलता, तो अगर इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 4 होनी चाहिए, अगर या इसकी 7 है तो इसकी भी 7 होनी चाहिए, तब मैं इनको कॉन्ग्रेंट कह सकता था, अदरवाइज दे आर सिमिलर। ऑल डैश डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जितनी भी, कौन सी वो ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर होती हैं, आइसोस्केलस या इक्विलेटरल? आइसोस्केलस आर इक्विलेटरल, तो बताओ जी कौन सी साइड्स, कौन सी ट्राइंगल है जो सिमिलर होती है? इक्विलेटरल, इक्वी लेटरल, देखो जी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 60 60 60 डिग्री का, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसमें भी 60 60 डिग्री का, तो ये क्या है? जितनी भी हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं, वो सारी क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स की बात कर रहा है, दो पॉलीगन्स की बात कर रहा है और सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, जैसे दो सर्कल, सॉरी, दो ट्राइंगलें हो सकती है, दो स्क्वायर हो सकते हैं, दो रेक्टेंगल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बोलता दे आर सिमिलर, कब वो सिमिलर होंगी? इफ दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, पढ़ा है आपने, इक्वल, दो फिगर्स
सिमिलर कब होती हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, शाबाश शाबाश, प्रोपोर्शनल और सेम रेशो। क्लियर यहां तक? तो ये था पहला क्वेश्चन। अब सेकंड, बोल आई गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। दो एग्जाम्पलें देनी है। एग्जाम्पल फर्स्ट सिमिलर फिगर्स की, सिमिलर फिगर्स की, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये एक आ गई। एक और एग्जाम्पल देनी है सिमिलर, एक जैसी, ए सर्कल, ए सर्कल, साइज मैटर नहीं कर रहा है, खाली ये दोनों एक जैसी हैं, दैट इज वाई दे आर सिमिलर, ठीक है। अब नॉन सिमिलर एग्जाम्पल फर्स्ट देते हैं इसकी। एक बना देता हूं भाई सर ट्राइंगल, एक बना देता हूं सर्कल, एक बना देता हूं भाई सुकेर, एक बना देता हूं सुकेर, दूसरी बना देता हूं ट्राइंगल, ये भी सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री यहां पे लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है ये हैं जी हमारे पास दो फिगर्स क्वेश्चन नंबर थ्री में। एक है ये क्वाड्रिलेटरल, हमें पता नहीं है कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, काइट हो सकती है क्योंकि इसकी सारी साइडें बराबर है, ठीक है, काइट हो सकती है। ये दूसरी है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जिसकी जिसकी साइड हमारे पास गिवन है। कह रहा है क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं? तो सिमिलर के लिए दो रूल, दो कंडीशन। पहला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने चाहिए इक्वल। दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर ये दोनों कंडीशनें फुलफिल हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो दे आर सेट टू बी सिमिलर। तो देखो पहली कंडीशन, पहली कंडीशन, यहां पे एंगल है 90 डिग्री, यहां पे एंगल 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, एंगल पी और एंगल ए, यहां पे एंगल पी हमें पता ही नहीं कितना है, ये तो बता रहा है 90 डिग्री, यहां भी नहीं बता रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं है, एंगल पी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए। सिमिलरली एंगल क्यू इज नॉट इक्वल टू एंगल बी। सिमिलरली एंगल आर इज नॉट इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल एस इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। ये कोई भी एंगल बराबर नहीं है, तो पहली कंडीशन फेल, पहली कंडीशन फेल। तो जब पहली कंडीशन फेल हो गई तो दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज को सिंप्लीफाई करके फायदा नहीं है। हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉन सिमिलर। ये नॉन सिमिलर है, ये क्या है, नॉन सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट।